हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेमन पनीर की रेसिपी लेके आया हूँ, जिसे आप किसी भी ओकेशन पर बनाकर सर्व कर सकते हैं। चाहे किटी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, या फिर आप इसे डिनर में बनाकर खा सकते हैं। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो आइए बनाते हैं लेमन पनीर। तो इसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स, जिंजर, अनियन, पनीर, कैप्सिकम, लहसुन, थोड़ी सी ग्रीन चिली। तो सबसे पहले एक पैन लीजिए। पैन में एक स्पून बटर डालिए, थोड़ा सा तेल डालिए। ऑयल को डालना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सिंगल बटर मेल्ट होने पे जल जाएगा। तो अब इसमें मैंने दो तेज पत्ता डाले, थोड़ी सी काली मिर्च 4 से 5, और साथ ही में 4 से 5 मैंने लौंग भी यहाँ पर डाल दी है। थोड़ी सी दालचीनी, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, इन सबको अच्छे से हम भून लेंगे। अब भूनने के बाद इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा डालेंगे, उसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। अब हल्का ब्राउन होने पर इसमें हम अपने कटे हुए अनियन डाल देंगे। उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ पाउडर मसाले लिए हैं, जैसे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर धनिया लिया, और 1/4 चम्मच हल्दी ली। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये मसाले के साथ पक जाए। अब स्टेज पर हम अपने जिंजर और गार्लिक का जो हमने चॉप करके रखे थे उसको हम डाल देंगे, और साथ ही में 2 कटी हुई मैंने हरी मिर्च यहाँ पर ऐड की है, इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, हमें ये लो हीट पर ही पकाना है। अब यहाँ पर मैंने कुछ कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया के पत्ते डाल दिए हैं, जिससे कि फ्लेवर और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा हमारे लेमन पनीर का। नेक्स्ट स्टेज में हम थोड़े कैप्सिकम डालेंगे। दोस्तों, मैंने कैप्सिकम पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये जल्दी गल जाता है और ये अजीब सा लगता है फिर, इसलिए कैप्सिकम का यूज हम बाद में ही करेंगे। देखिए, इसे भी मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर लेमन को स्क्वीज करेंगे। आप 1 या 2 लेमन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 लेमन को स्क्वीज कर लिया है, उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर फ्रेश क्रीम डालेंगे, जो कि मैंने 1 कप लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। अब हम इसको 1 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि हमारी क्रीम और मसाले अच्छे से मिल जाए। देखिए, 1 मिनट बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम यहाँ पर पनीर को ऐड कर देंगे, जो कि मैंने 200 ग्राम पनीर लिया था उसे मैंने ऐड कर दिया है। अब पनीर को इस ग्रेवी में अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसका सारा फ्लेवर पनीर में चला जाए। कुछ इस तरह से। अब हम इसे 1 मिनट के लिए दोबारा से कुक करेंगे, कवर करके रखेंगे। 1 मिनट बाद देखिए दोस्तों, तेल भी सेपरेट हो गया है
और पनीर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ ग्रीन चिलीज ऐड की हैं। अब फिर से हम इसे कुछ देर के लिए ढककर रखेंगे। ये देखिए, हमारा लेमन पनीर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए, इसका टेक्सचर एकदम नवाबी लेमन पनीर लग रहा है दोस्तों। ये अब नेक्स्ट स्टेज में हम ऊपर से गार्निशिंग करेंगे धनिया के पत्तों से। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और एक बार जरूर ये रेसिपी ट्राई जरूर कीजिएगा। इस रेसिपी को आप एज ए पार्टी स्नैक्स भी बना सकते हैं, और साथ ही में आप इसे डिनर में भी खा सकते हैं, रुमाली रोटी के साथ, तवा रोटी, बटर रोटी या नान के साथ, वो आपकी मर्जी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। मिलती है नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू।